देखो भाई लोग, अगर आपको आने वाले कुछ दिनों में या फिर अगले महीने एक नई कार लेनी है या फिर आप किसी नए कार का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको अगले महीने इंडिया में लॉन्च किया जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनमें से मेजोरिटी ऑफ कार्स ऐसी है जिनको ऑलरेडी इंडिया में रिवील किया जा चुका है, अब सिर्फ इनके प्राइजेस आने बाकी है जिनको आप बहुत जल्दी बुक भी कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं नेक्स्ट मंथ कौन कौन सी कारें इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। फर्स्ट नंबर पर मारुति सुजुकी की ब्रेजा है। ब्रेजा का सीएनजी मॉडल अगले महीने इंडिया में लॉन्च हो सकता है और मारुति सुजुकी ने ब्रेजा का सीएनजी मॉडल 2023 के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था, जहां पर बहुत सारी कार कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था और मारुति सुजुकी ने अपने अपकमिंग कारों को ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था। उनमें से एक कार थी ब्रेजा का सीएनजी मॉडल और ब्रेजा का सीएनजी मॉडल आपको नेक्स्ट मंथ इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा और आने वाले कुछ दिनों में ब्रेजा का सीएनजी मॉडल बहुत सारे डीलरशिप पर अवेलेबल हो जाएगा डिस्प्ले के लिए, यानी आप डीलरशिप पर जाकर ब्रेजा का सीएनजी मॉडल देख सकते हैं। खैर, ब्रेजा के सीएनजी मॉडल के साथ आपको मिलने वाला है 1.5 लीटर के सीरीज वाला ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन और ये इंजन पेट्रोल के साथ लगभग 102 bhp की पावर आउटपुट और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। वही सीएनजी किट के साथ आपको 86 bhp की पावर आउटपुट मिलेगी और 122 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलने वाला है। तो इस इंजन के साथ ब्रेजा का सीएनजी मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सीएनजी किट के साथ 60 लीटर की कैपेसिटी मिलने वाली है जिसके तहत आप 60 से 8 लीटर का गैस फ्यूल अप कर सकते हैं। माइलेज की अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल इंजन के साथ ब्रेजा लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है, लेकिन सीएनजी किट के साथ ये 26 से लेकर 28 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे सकती है, ये एक्सपेक्टेड माइलेज बताया जा रहा है। और आज के डेट में मारुति सुजुकी की जो ग्रैंड विटारा है वो सीएनजी किट के साथ लगभग 26 के ऊपर माइलेज दे देती है और ग्रैंड विटारा इंडिया की पहली ऐसी एसयूवी कार है जिसके अंदर आपको कंपनी फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। ब्रेजा सेकंड एसयूवी कार बनेगी जिसके अंदर आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिल सकता है। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा ब्रेजा कितना माइलेज देगी, लेकिन ब्रेजा के सीएनजी मॉडल की कीमत आपको 1,00,000 रुपए से लेकर 1,20,000 या फिर 30,000 रुपए थोड़ी सी एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल वेरियंट। और मारुति सुजुकी जेटा और डेल्टा इन दोनों ही वेरियंट के अंदर सीएनजी किट ऑफर कर सकती है, क्योंकि सेम चीज मारुति सुजुकी ने ग्रैंड विटारा के साथ की थी। इसके अलावा बलेनो के साथ भी आपको सेम चीज देखने को मिल जाएगी, यानी ब्रेजा के सिर्फ 2 वेरिएंट्स के अंदर आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिलेगा, डेल्टा और जेटा। जैसे ही ये कार इंडिया में लॉन्च होती है मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। सेकंड नंबर पर टाटा की अल्ट्रोज आती है और नेक्स्ट मंथ टाटा कंपनी अल्ट्रोज का रेसर एडिशन मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। इसको भी 2023 के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था और टाटा अल्ट्रोज का रेसर एडिशन मॉडल इंडिया में लॉन्च होने के बाद कम्पीट करेगा i20 के इनलाइन मॉडल के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस कार के अंदर आपको काफी ज्यादा पावर आउटपुट मिलेगी, यानी ये कार आपको ड्राइविंग के मजे देने वाली है और आपको स्पोर्टियर लुक मिलेगा। इंटीरियर कंप्लीटली चेंज किया है टाटा ने, तो यहाँ पर जिन लोगों को ड्राइविंग के मजे लेने हैं, जिनको टाटा का ही प्रोडक्ट लेना है, वो टाटा अल्ट्रोज के रेसर एडिशन मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं। इसके इंटीरियर में आपको काफी बड़े बदलाव देखने को मिल जाएंगे, डैशबोर्ड कंप्लीटली चेंज किया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको बड़ा 10.25 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी मिल जाएगा। इंजन की अगर मैं बात करूं तो रेसर एडिशन के अंदर टाटा कंपनी 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑफर करेगी और इस इंजन के साथ आपको 120 bhp की पावर आउटपुट और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। तो इस इंजन के साथ आप ड्राइविंग के मजे ले सकते हैं, आप टाटा अल्ट्रोज को भगा सकते हैं, अपने हिसाब से चला सकते हैं और डेफिनेटली ये कार आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाटा अल्ट्रोज को सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग्स मिले हैं। जिन लोगों को टाटा अल्ट्रोज के अंदर ज्यादा माइलेज चाहिए वो लोग टाटा अल्ट्रोज के सीएनजी मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं। इस साल के सेकेंड हाफ में यानी जून या फिर जुलाई के आसपास टाटा अल्ट्रोज उसका सीएनजी मॉडल भी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, उसके लिए भी आप वेट कर सकते हैं या फिर सिंपली आप टाटा अल्ट्रोज के रेसर एडिशन मॉडल के साथ जा सकते हैं। टाटा अल्ट्रोज के रेसर एडिशन मॉडल की कीमत लगभग 10 या फिर 11 लाख रुपए से शुरू हो सकती है, लेकिन इस कार के अंदर आपको काफी जबरदस्त फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। थर्ड नंबर पर किया की करेंस है, जो कि एक एमपीवी कार है 6 सीटर और 7 सीटर कॉन्फिगरेशन वाली और इसके अंदर आपको बहुत जल्दी सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। 7 सीटर सेगमेंट के अंदर आज के डेट में अर्टिगा के अंदर और XL6 के अंदर सीएनजी किट ऑफर किया जाता है और बहुत जल्दी किया करेंस के अंदर सीएनजी किट ऑफर किया जाएगा। अर्टिगा सीएनजी किट के साथ 26 के ऊपर माइलेज दे देती है, तो सिमिलरली करेंस के अंदर भी हमें 25 या फिर 26 के आसपास माइलेज देखने को मिल जाएगा। किया करेंस का सीएनजी मॉडल अगले महीने इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है और इसकी कीमत
कीमत आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। फोर्थ और फिफ्थ नंबर पर मारुति सुजुकी की ही कार है, पहली है फ्रॉन्क्स और दूसरी है जिमनी। इन दोनों ही कारों को ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था और दोनों ही कारों के बुकिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ डीलरशिप पर दोनों ही कारें अवेलेबल हो चुकी है। बहुत सारे वीडियो सामने आउट हो चुके हैं और कुछ डीलरशिप पर फ्रॉन्क्स डिस्प्ले के लिए आ भी चुकी है, तो आप नियर बाय शोरूम में जाकर विजिट कर सकते हैं, वहां पर आप फ्रॉन्क्स के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फ्रॉन्क्स की अगर मैं बात करूँ तो ये बलेनो का एसयूवी वर्जन होने वाला है और ये कूपे स्टाइल कॉम्पैक्ट एसयूवी कार होने वाली है। इसका लुक भी काफी बेहतरीन है और इसके इंटीरियर में आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स को ब्रेजा के नीचे रख सकती है, यानी इसकी पोजीशन आपको ब्रेजा के नीचे देखने को मिल जाएगी। इसकी कीमत 8 या फिर 9 लाख रुपए से शुरू हो सकती है, आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो ये 5 कार्स थी जिनको अगले महीने इंडिया में लॉन्च किया जाना है। शायद इनमें से कुछ कारों के लॉन्चिंग में डीले भी हो सकता है या फिर थोड़ा सा जल्दी भी इन कारों को लॉन्च भी किया जा सकता है। जैसे ही इन कारों को इंडिया में लॉन्च किया जाता है मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है।